गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार पाठक वाणी करियर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था वारंट्स के प्रकार। वो वारंट्स के प्रकार हम लोगों ने किस बेस पे पढ़ा था, जो भी वारंट इशू होता है प्रोडक्शन सेक्शन को, जो भी वारंट इशू होता है, जो भी उसकी इशू करने की प्रक्रिया होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि वारंट इशू करने के दो प्रकार हैं। एक होता है आपका एक्सेप्ट सिस्टम और दूसरा होता है सब वारंट सिस्टम। ठीक ना, उसी के आगे हम लोग आज आगे पढ़ेंगे कि वारंट्स जो है उसे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, जो भी प्रोडक्शन में आपका वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक ना, तो वारंट जो होता है आपका पहला हो गया प्रोडक्शन वारंट। ठीक ना, दूसरा हो जाता है आपका टूल वारंट। ठीक ना, ये टूल वगैरह गेजेस वगैरह के लिए यूज करते हैं, टूल वारंट। तीसरा हो जाता है आपका क्वार्टरली वारंट या सॉप वारंट। ठीक ना, क्वार्टरली वारंट को सॉप वारंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका रिप्लेसमेंट वारंट। ठीक ना, फोर्थ नंबर पे है आपका रिप्लेसमेंट वारंट। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है आपका एडिशनल वारंट। ठीक ना, इसके आगे है आपका एनआरआर, नॉन रिक्यूरिंग ऑफ रेट। ठीक ना, उसके बाद में है एनआरएम, नॉन रिक्यूरिंग ऑफ मटेरियल। ठीक ना, चलिए इनके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन वारंट क्या होता है, टूल वारंट क्या होता है, एनआरएम क्या होता है, एनआरआर क्या है। ठीक ना, रिप्लेसमेंट वारंट क्या है, एडिशनल वारंट क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। प्रोडक्शन वारंट तो क्या होता है आपका प्रोडक्शन वारंट? प्रोडक्शन वारंट जो भी आपका असेंबली या कंपोनेंट के निर्माण के लिए यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन वारंट कहते हैं। ठीक ना, ये कितने डिजिट का होता है? प्रोडक्शन वारंट यानी 11 डिजिट का होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टूल वारंट पे। ठीक ना, टूल वारंट, टूल वारंट क्या होता है? टूल वारंट का प्रयोग आवश्यक टूल्स के निर्माण कार्य के लिए किया जाता है, जहां पे भी टूल्स की कंपोनेंट एवं उनकी असेंबली के लिए वर्क किया जाएगा। ठीक ना, उसे टूल वारंट वर्क ऑर्डर के अंतर्गत हम लोग बुक करेंगे। ठीक ना, उसका क्या होता है वारंट की क्लास में मैंने आपको बताया था, वर्क ऑर्डर के, उसमें वर्क ऑर्डर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टूल वारंट जो रहता है उसका वर्क ऑर्डर नंबर रहता है 02/4x0800। इसका प्रयोग किया जाता है टूल वारंट के लिए। ठीक ना, आप सभी को मालूम होगा कि प्रोडक्शन के दौरान हम लोगों को कई प्रकार के टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। टूल्स भी यूज होते हैं आपके, गेजेस वगैरह भी यूज होते हैं, उनके लिए एक सेपरेट वारंट बनाया गया है जिसे हम क्या बोलते हैं? टूल वारंट बोलते हैं। ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वार्टरली वारंट, इसे सॉप वारंट भी बोला जाता है। क्वार्टरली वारंट का प्रयोग विभिन्न अनुभागों में, जो भी आपका अनुभाग रहेंगे या अनुभागों में ऑफिस वर्क जो रहता है आपका, जनरली यानी कि कंज्यूमेबल आइटम जो भी आपका शॉप वगैरह में यूज होता है या फिर आपका ऑफिस कार्य के लिए यूज होता है, उसे हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? उसे हम लोग क्वार्टरली वारंट के अंतर्गत रखते हैं या शॉप वारंट के अंतर्गत रखते हैं। इनकी जो अवधि होती है क्वार्टरली वारंट की, जैसे नाम से स्पष्ट है, क्वार्टरली मीन्स 3 महीने के लिए। ठीक ना, क्वार्टरली वारंट या सॉप वारंट है आपका जो, वो 3 महीने के लिए इशू किया जाता है। ठीक ना, इसमें प्रत्येक वर्क ऑर्डर के लिए, जितने भी वर्क ऑर्डर्स रहेंगे सभी वर्क ऑर्डर्स के लिए अलग अलग क्वार्टरली वारंट या सॉप वारंट इशू किया जाएगा। ठीक ना, क्वार्टरली वारंट के लिए आपको इस्टीमेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
ठीक ना, इसे डायरेक्ट ड्रॉ किया जाता है। इसके लिए क्वार्टरली वारंट के लिए इस्टीमेट नहीं बनाया जाता है, सब वारंट के लिए, ठीक ना। उसके अगर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट में है आपका रिप्लेसमेंट वारंट। रिप्लेसमेंट वारंट क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग वारंट के आधार पर, जब भी कोई जॉब मैन्युफैक्चर होगा तो मैन्युफैक्चरिंग वारंट के आधार पर उत्पादन हेतु मैन्युफैक्चरिंग वारंट में उत्पादित जॉब की संख्या प्रदर्शित की जाती है, ठीक ना। जो भी आपका जॉब मैन्युफैक्चरिंग होगा या बनेगा, उसकी कितनी क्वांटिटी बननी है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग वारंट में शो किया जाता है। किंतु असमान परिस्थितियों में, जो असमान परिस्थितियां आती हैं, उसमें रिजेक्शन हो जाता है, कुछ जॉब डायमेंशनली या कुछ प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जब रिजेक्शन ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में जो संख्या दी हुई है मैन्युफैक्चरिंग वारंट में, जो क्वांटिटी आपकी दी हुई है, संख्या दी है, वो पूर्ण नहीं हो पाती है। इस संख्या को जो भी है, क्वांटिटी है, इसको पूर्ण करने के लिए हमें एक अतिरिक्त वारंट की आवश्यकता पड़ती है। जो अतिरिक्त वारंट हम लोग यूज करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट वारंट, ठीक ना। समझ में आ गया सभी को रिप्लेसमेंट वारंट क्या होता है? नेक्स्ट है आपका एडिशनल वारंट। एडिशनल वारंट के पहले हम लोग कुछ चीजें और देख लेते हैं जो रिप्लेसमेंट वारंट में रह गई हैं। रिप्लेसमेंट वारंट में मूल वारंट का रेफरेंस प्रदर्शित किया जाता है। जो भी आपका रिप्लेसमेंट वारंट रहेगा, उसमें आपका जो भी मूल वारंट जो आपका पहले से दिया गया है, उसका रेफरेंस उसमें दिया जाएगा। यदि किसी वारंट के उत्पादन के दौरान रिजेक्शन या लॉस की मात्रा ज्यादा हुई है, ऐसी कंडीशन में हम लोग रिप्लेसमेंट वारंट का यूज करते हैं। रिप्लेसमेंट वारंट जो है अतिरिक्त लेबर या अतिरिक्त मटेरियल की स्वीकृति के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। इसके लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की करवाई जाती है। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी करवा के सुटेबल रिप्लेसमेंट वारंट लिया जाता है, ठीक ना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका एडिशनल वारंट। तो एडिशनल वारंट क्या होता है? मुख्य वारंट में रेगुलर कार्य के दौरान, जो आपका रेगुलर कार्य हो रहा है, उसके दौरान यदि अतिरिक्त कार्य करने के लिए जो भी होगा, यानी कि एडिशनल वर्क होगा आपका, एडिशनल वर्क या अतिरिक्त कार्य करने के लिए हमें अतिरिक्त वारंट या एडिशनल वारंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। कभी कभी क्या होता है कि मुख्य वारंट में जो ऑपरेशंस दिए हैं, उसके अलावा भी हमें उस मटेरियल पे अतिरिक्त ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसका विवरण जो रहता है वो मुख्य वारंट में, जो आपका मेन वारंट आपको मिला है, उसका विवरण उसमें प्रदर्शित नहीं होता या उल्लेखित नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में अतिरिक्त मटेरियल और अतिरिक्त लेबर हेतु, जो भी हम लोग अतिरिक्त मटेरियल या अतिरिक्त लेबर यूज करेंगे कार्य के लिए, उसे हम किसके अंतर्गत लेंगे? उसे हम एडिशनल वारंट के अंतर्गत लेंगे, ठीक ना, या एडिशनल वारंट के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। एडिशनल वारंट भी जो होता है, ये आपका एस्टीमेट के आधार पर बनाया जाता है, ठीक ना। तो एडिशनल वारंट किसके आधार पर बनाया जाता है? आपका एस्टीमेट के आधार पर ही एडिशनल वारंट आपका तैयार किया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका NRR, नॉन रिक्यूरिंग ऑफ रेट, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका NRM, नॉन रिक्यूरिंग ऑफ मटेरियल, ठीक ना। इसे हम लोग साथ साथ में लेके चलते हैं। NRR और NRM क्या होता है? जब कभी कोई जॉब मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें कभी कभी हम लोगों को कुछ एडिशनल ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है या कुछ एडिशनल मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। इस कंडीशंस पे हम लोग NRR, नॉन रिक्यूरिंग ऑफ रेट, और NRM, नॉन रिक्यूरिंग ऑफ मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक ना। या इसे ऐसा भी कहा जा सकता है, वारंट एंड स्टैंडर्ड एस्टीमेट में दिए गए ऑपरेशंस, जो भी वारंट और स्टैंडर्ड एस्टीमेट है, उसमें जो दिए गए ऑपरेशंस हैं एवं मटेरियल,
अतिरिक्त, जब कभी हमें जॉब के निर्माण कार्य है तो अतिरिक्त मटेरियल या अतिरिक्त ऑपरेशन की आवश्यकता होगी, ऐसी परिस्थिति में अतिरिक्त ऑपरेशन है तो हम लोग अतिरिक्त लेबर के लिए नॉन रिक्वायरिंग ऑफ रेट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और अतिरिक्त मटेरियल के लिए, ठीक ना, अतिरिक्त मटेरियल के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, NRM, नॉन रिक्वायरिंग ऑफ मटेरियल, ठीक ना। और उसके पहले, सॉरी, उसके पहले हमने क्या बोला था, अतिरिक्त ऑपरेशन हेतु या अतिरिक्त लेबर हेतु आप क्या यूज करेंगे, NRR, नॉन रिक्वायरिंग ऑफ रेट, ठीक ना। और NRR या NRM प्राप्त करने के लिए उत्पादन अनुभाग, जो भी उत्पादन अनुभाग होगा वो ग्रुप ऑफिसर के माध्यम से, ठीक ना, NRR या NRM स्वीकृत करवाकर IED, IED क्या होता है आपका, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को अग्रेसित करता है, जिससे NRR या NRM वारंट प्राप्त किया जा सके, ठीक ना। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, NRR क्या होता है आपका, NRR, नॉन रिकरिंग ऑफ रेट, NRR प्रोडक्शन में निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त ऑपरेशन, एडिशनल ऑपरेशन, जिसका वारंट या स्टैंडर्ड एस्टीमेट में विवरण नहीं होता है, जो कि निर्माण कार्य के लिए आपके आवश्यक होते हैं, उन्हें हम NRR के थ्रू यूज करते हैं, ठीक ना। अतिरिक्त ऑपरेशन है तो IED, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा स्वीकृत कराकर NRR वारंट प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में NRM प्रोडक्शन में निर्माण कार्य हेतु, जब भी प्रोडक्शन होगा उसके निर्माण कार्य के लिए, किसी जॉब के निर्माण कार्य के लिए जो भी अतिरिक्त मटेरियल है, एडिशनल मटेरियल है, ठीक ना, जिसका वारंट या स्टैंडर्ड स्टेट में विवरण नहीं दिया गया है, जो कि आपके जॉब के निर्माण के लिए, प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है, ठीक ना, ऐसे निर्माण कार्य के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, NRM, नॉन रिक्वायरिंग ऑफ मटेरियल, ठीक ना। इसके लिए भी वही है, अतिरिक्त मटेरियल के लिए क्या होगा, अतिरिक्त मटेरियल के लिए IED, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट IED द्वारा स्वीकृत कराकर NRM वारंट प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। इसके आगे नेक्स्ट में पढ़ते हैं हम लोग वारंट, वारंट कितने डिजिट के होते हैं, ठीक ना। वारंट, इसके पहले भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन किया था वारंट कितने डिजिट्स का होता है, ठीक ना। तो वारंट जो होता है आपका, वो होता है 11 अंकों का, 11 डिजिट्स का, ठीक ना, जिसमें प्रथम जो 7 अंक होते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक ना, उसके बाद 8, 9, 10, 11, ठीक ना। तो जो वारंट्स में पहले 7 डिजिट्स होती है, ठीक ना, ये आपका शो करता है मेन वारंट को, ठीक ना। जो भी आपका वारंट रहेगा उसमें जो स्टार्टिंग की 7 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये प्रदर्शित करते हैं आपका मेन वारंट को। और इसका जो 8वां अंक होता है, ठीक ना, जो आपका 8 डिजिट्स होता है, 8वां अंक जो होता है, ये प्रदर्शित करता है वारंट के प्रकार को, कि कौन किस टाइप का आपका वारंट है, ठीक ना। उसके बाद जो अंतिम 3 डिजिट्स आती है, जो अंतिम 3 अंक है, ये प्रदर्शित करते हैं आपका सब वारंट को, ठीक ना, इसको प्रदर्शित करते हैं सब वारंट को। ये किसके लिए यूज होता है आपका, यूज्ड सब वारंट, ठीक ना, ये हो जाता है आपका मेन वारंट, ठीक ना। ये क्या हो जाता है आपका, टाइप्स ऑफ वारंट, ठीक ना।
टाइप्स ऑफ वर्ड में यदि आपका यदि वन है तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्शन वारंट, ठीक ना। यदि टू है तो क्या हो जाएगा आपका, टूल वारंट। थ्री है तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्वार्टरली वारंट। सभी को आ गया समझ में? वारंट कितना होता है, 11 डिजिट्स का होता है, 11 डिजिट्स का जो होता है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, स्टार्टिंग के जो 7 डिजिट्स रहेंगे, 7 अंक जो रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका कहलाएगा मेन वारंट, ठीक ना। उसके बाद जो आठवां जो रहेगा वो टाइप्स ऑफ वारंट को प्रदर्शित करता है, जिसमें वन रहेगा तो प्रोडक्शन वारंट, टू रहेगा तो टूल वारंट, थ्री रहेगा तो क्वार्टरली वारंट, ठीक ना। सॉरी यहां पे थ्री नहीं है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये जीरो है, जीरो रहेगा तो क्या होगा, क्वार्टरली वारंट, ठीक ना। तो वन है तो प्रोडक्शन वारंट, टू है तो टूल वारंट, जीरो है तो क्वार्टरली वारंट, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं आपका जो लास्ट की 3 डिजिट्स रहेंगी वो आपकी क्या कहलाएगी, सब वारंट, ठीक ना। इसका जो यूज करते हैं हम लोग किसके लिए करते हैं, सब वारंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग इतना तैयार करिए, नेक्स्ट क्लासेस में आपको मैं इसके आगे का एक्सप्लेन करूंगा, ठीक ना। तब तक के लिए वीडियो को आप जो लोग देखते हैं वो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक ना। अभी मैंने आपको 2020 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके बताया था, 1 to 60 क्वेश्चन उसमें हो गए हैं 2020 के सॉल्व। नेक्स्ट का क्वेश्चन मैं अगली क्लास में आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। गुड डे, थैंक यू।